नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NA न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत लंबी बहस चली, इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन शायद आज सुर्खियों में लव जिहाद के मुद्दे ने और वैक्सीन और कोरोना ने सुशांत सिंह के मुद्दे को कहीं परे हटा दिया है। यही कारण है कि अभी अभिनेता और टीवी एक्टर शेखर सुमन को ट्वीट कर ये बताना पड़ा कि सीबीआई आखिर इस मामले में क्या कर रही है। शेखर सुमन ने क्या ट्वीट किया है और क्या मांग उन्होंने की है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर पूरे देश में इंसाफ की गुहार उठी, इंसाफ की आवाज उठने लगी, टीवी डिबेट्स का हिस्सा बन गई। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत केस कहीं ना कहीं दबता नजर आ रहा है। यही कारण है कि टीवी होस्ट और एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक नया ट्वीट किया है, जो कि उनके फैंस के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी बेहतर तरीके से जांच कर रही है, लेकिन सबूतों के अभाव में जांच एजेंसी असहाय है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। सुशांत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग वाले होस्ट और एक्टर शेखर सुमन ने पिछले हफ्ते इन लोगों से माफी मांगने के लिए कहा, जो उन पर सुशांत सिंह राजपूत केस के जरिए अपना राजनीतिक करियर मजबूत करने में लगे हुए थे।